हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का अपडेट, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सुंदरीकरण एवं पुनर्विकास का कार्य अभी चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3 पूरा कवर कराएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम मऊ जंक्शन के सामने, जहां पर RCC रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, एक साइड में पूरी तरीके से RCC रोड का निर्माण कार्य हो चुका था और ये दूसरी साइड में स्टार्ट कर दिया गया है RCC रोड का निर्माण कार्य करना। और यहाँ पर किनारे किनारे पूरी तरीके से रेलिंग का कार्य कंप्लीट हो चुका है और पेंटिंग का भी कार्य इन पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर किया गया है, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इधर के साइड में रेलिंग का कार्य अभी चल रहा है लगाने का, इसके साथ ही पेंटिंग का भी कार्य अभी इन पर किया जा रहा है। तो यहाँ तक जो है रेलिंग को लगा दिया गया है और आगे जो है अभी कार्य चल रहा है रेलिंग लगाने का। और आज के इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अभी जो है रेलिंग लगाने का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इस साइड में हम आपको चलकर दिखाते हैं किस तरीके से RCC रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ जगहों पर RCC रोड का निर्माण कार्य कर दिया गया है और अभी जो है आगे जो है छड़ की सीकें बिछाई गई हैं, ताकि उन पर RCC रोड का निर्माण कार्य किया जा सके। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अभी हम आगे चलेंगे, प्लेटफॉर्म संख्या 1 का भी अपडेट दिखाएंगे, किस तरीके से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर नए 3 सीटों का निर्माण कार्य एवं विस्तार किया जा रहा है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं नया RCC रोड का निर्माण कार्य, जो कि अभी काफी तेजी से RCC रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो पूरा मुख्य भवन तक पहुंचने वाला है RCC रोड का निर्माण कार्य, काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं RCC रोड का निर्माण कार्य। पूरी तरीके से दीवाले भी पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है और ये बीच में लाइटें लगाई गई हैं और किनारे किनारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं शोपीस में, और ये जब रात में जलती हैं लाइटें तो काफ़ी बेहद खूबसूरत लगते हैं। और आगे जो है RCC रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, आगे जो है छड़ की सीकें बिछाई गई हैं, तो कार्य अभी जारी है। तो यहाँ पर कुछ मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि देखने से ऐसा लगता है कि कार्य अभी चल ही रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा RCC रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, भी ढलाई अभी फिलहाल जल्दी हुआ है। तो जो भी यूज में लाए जा रहे हैं मशीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि RCC रोड का निर्माण कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। और आगे छड़ की सीकें बिछाई गई हैं। और ये रहा सामने नया बिल्डिंग, और ये रहा सामने बिल्डिंग, चलकर आपको दिखाते हैं बिल्डिंग पर कितने कार्य हो चुके हैं। तो बिल्डिंग पर काफी तेजी से कार्य चल रहे हैं, बिल्डिंग पर 2 नया डिजाइन बनाया गया है, चलकर आपको दिखाते हैं। और ये रहा 2 चक्कों के लिए यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया गया है। और बरसात होने की वजह से यहाँ पर काफी कीचड़ हो गया है।
पार्किंग एरिया के सामने यहाँ पर डिवाइडर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोडों पर काफी तेजी से डिवाइडर का निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा हम आपको अपडेट कवर कराएंगे। वो भी काफी तेजी से नए नए डिवाइडर तैयार किए जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे मऊ जंक्शन का मुख्य भवन। मुख्य भवन पर दो नए डिजाइन बना रहे हैं, चलकर आपको दिखाते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पर्दे से घिरा गया है, जो कि अभी राजस्थानी मार्बलों द्वारा कार्य चल रहा है नई बिल्डिंग पर। और एक यहाँ पर बोर्ड बनाया गया है, जैसे ट्रेनों की सूचनाएं आसानी से मिल सके यात्रियों को। और अभी जो मुख्य भवन है, अभी इस पर कार्य चल ही रहा है। 100 में से 70% कार्य कंप्लीट हो चुका है मुख्य भवन पर। और ये किनारे किनारे जो राजस्थानी मार्बल है लगा दिया गया है। अभी नेक्स्ट अपडेट में हमने आपके दिखाया था, उस टाइम जो है लगाने का कार्य किया जा रहा था। तो ये पूरी तरीके से मार्बलों को लगा दिया गया है किनारे किनारे, और मऊ जंक्शन के मुख्य भवन के सामने पूरी तरीके से ढलाई का कार्य हो चुका है, और सीमेंट के ईंट भी पूरी तरीके से बिछा दिए गए हैं। तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से मऊ जंक्शन के मुख्य भवन पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर मार्बलों की कटिंग किया जा रहा है। तो बीच में यहाँ पर एक पिलर बनाया गया है, पता नहीं ये पिलर किस लिए बनाया गया। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जब बनेगा तो हम आपको तो बताने वाले ही हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कितने कार्य हो चुके हैं चलकर आपको दिखाते हैं। इधर के साइड में पूरी तरीके से मार्बलों को लगा दिया गया है किनारे किनारे, और जस्ट वहां पर नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, चलकर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा मुख्य भवन। मुख्य भवन के पास में नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। यहाँ पर नए नए पिलर उठाए जा रहे हैं, इसके साथ ही दीवारें भी काफी तेजी से उठाई जा रही हैं। तो अभी कार्य इस पर चल रहा है, और ये किनारे किनारे यहाँ पर पिलर बनाए जा रहे हैं। अभी जो मऊ जंक्शन का नया एस्केलेटर बना हुआ था, एक ओर स्टार्ट कर दिया गया है और दूसरी ओर अभी बंद पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर, अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कितने कार्य कंप्लीट हो चुके हैं और अभी कितने कार्य अभी हो रहे हैं, चलकर आपको दिखाते हैं। और ये जो नया पिलर बनाया गया था, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बगल में जो मार्बल लगाए गए थे उनको तोड़ दिया गया था, अभी फिर से इसको लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये रहा सामने टिकट काउंटर, और इसके ऊपर जो है अभी कार्य चल रहे हैं, पेंटिंग का कार्य अभी चल रहा है, और ऊपर जो भी कार्य शेष बचे हुए हैं उन पर भी अभी कार्य चल रहा है। और मऊ जंक्शन के बिल्डिंग पर काफी सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ये रहा पूछताछ काउंटर, और अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और ये रहा नया वेटिंग हॉल। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जितना भी चौथरा बनाया गया था उनको तोड़ दिया गया है, नए सिरे से इनको बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पूरे लास्ट छोर पर, चलकर आपको दिखाते हैं वहां पर नए टिन शेडों के ऊपर जो बनाया गया था उन पर करकटों की छवाई का कार्य हो चुका है या नहीं। और प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बैक साइड में नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, यहां पर कई सारे पिलर उठाने का कार्य किए गए हैं। तो बारिश की वजह से अभी ये काम बंद पड़ा हुआ है।
प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जितने भी पुराने चौथरे थे उनको तोड़कर नए सिरे से बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो जितने भी बने हुए हैं उनको फिर से तोड़कर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पूरी तरीके से मार्बल लगाने का कार्य कंप्लीट हो चुका है। हर एक जगह पर नए शौचालय बनाकर रेडी कर दिए गए हैं और आगे हम चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से नए टिन शेडों पर करकटों की छवाई का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही फॉल सीलिंग का कार्य लगभग प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कंप्लीट हो चुका है। इधर के साइड में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पूरी तरीके से जो बैठने के लिए चौथरा बना हुआ था उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। हर एक जगह पर बनाने का कार्य अभी चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो नया टिन सेटों का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उन पर आधा करकटों की छवाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है। इधर के साइड में करकटों की छवाई का कार्य किया गया है। तो जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 है हर एक जगह पर उसको तोड़ दिया गया है और बनाने का कार्य अभी नए सिरे से किया जा रहा है। और इधर के साइड में फॉल सीलिंग का कार्य अभी रुका पड़ा हुआ है। बाकी मार्बल पूरी तरीके से यहां पर बिछा दिया गया है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और वहाँ पर सामने कुछ कार्य हो रहे थे, चलकर आपको दिखाते हैं। वहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया था, चलकर आपको दिखाते हैं वहाँ पर कार्य हुए हैं या नहीं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है और इसको बैरिकेटिंग शील से पूरा घेर दिया गया है। जब इस पर कार्य होंगे तो हम आपको बताएंगे क्या चीज़ बन रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ओर। यहाँ पर भी पूरे तरीके से मार्बल को बिछा दिया गया है। शेष इस स्थानों पर भी मार्बल बिछे हुए नहीं हैं, तो बहुत ही जल्द इनको भी बिछाया जाएगा। अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बिल्कुल लास्ट छोर पर पहुंचने वाले हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बिल्कुल लास्ट छोर पर जो पुराना बूथ था उस पर जो भी मार्बल लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया है, तो उन पर भी कार्य बहुत ही जल्द किया जाएगा। बाकी ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हर एक जगह पर किया जा रहा है। तो अभी हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 2 का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर कुछ जगहों पर अभी ढलाई का कार्य हुआ नहीं है, इसके लिए यहां पर छड़ की सीके रेडी कर दिए गए हैं और आगे जो है ढलाई का कार्य किया जा रहा है। चलकर आपको दिखाते हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ढलाई का कार्य पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर
सावधान कार्य प्रगति पर है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि अभी कार्य अभी ढलाई का कार्य किया जा रहा है, चलकर आपको दिखाते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर काफ़ी कम टिन सेट है, यहाँ पर टिन सेटों की मात्रा यहाँ पर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यात्रियों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धूप और बरसात में बहुत कठिनाई होती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ये बोर्ड लगाया गया है और इधर के साइड में भी नया ढलाई किया गया है, तो बहुत ही जल्द ये जितने भी शेष बचे हुए हैं इन पर भी बहुत ही जल्द ढलाई का कार्य किया जाएगा। और अभी हम बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर, जहां पर नए फुट ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है, वहां पर चलकर आपको दिखाते हैं कितने कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वक्त प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहे हैं, वहां पर न्यू ट्रैक दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर। हम आपको ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, और अभी आपको हम दिखाने वाले हैं प्लेटफॉर्म संख्या 3 का अपडेट, जहां पर नए फुट ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ये जितने भी साफ सफाई का कार्य हुआ था, यहाँ पर जितने भी मलबे पड़े हुए थे इनको यहाँ पर एकत्रित किया गया है। और अभी प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। तो अभी आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर काफी तेजी से वर्क हो रहे हैं, और यहाँ पर पता नहीं क्या कार्य हो रहा है, हम आपको चलकर दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर जहां पर नए फुट ओवर ब्रिज के लिए पिलर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पिलरों को तैयार किया जा रहा है। और प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है नए पिलर उठाने का, नए फुट ओवर ब्रिज के लिए वो रहे पिलर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर नए फुट ओवर ब्रिज के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। और इधर के साइड में भी काफ़ी तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन नई नई ढलाइयाँ किया जा रहा है और पिलर उठाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो टाइम लगता है बनने में, तो कार तो अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। बरसात भी चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा काम डाउन हो जा रहा है। और हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।